नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एमकेएस ब्लॉग में आपका स्वागत है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में कोलकाता से 32 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा। वाराणसी से गंगा नदी पर दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास क्रूज 13 जनवरी को अपने सफर की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नदी में चलने वाले रिवर क्रूज जहाज एमवी गंगा विलास वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होगा। इस दौरान वह 3200 किलोमीटर से अधिक का लंबा सफर तय करेंगे। यह क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाले 27 नदी के रास्ते अपने मंजिल पर पहुंचेगा। इस लंबे सफर में एमवी गंगा विलास पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। 13 जनवरी को यह 32 विदेशी मेहमानों को लेकर यह 3200 किलोमीटर वाली 52 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी निकलेगा। यह क्रूज भारत व बांग्लादेश के कुल 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। इनमें गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट भी शामिल है। गंगा विलास क्रूज के स्वागत के लिए रविदास घाट पर खास आयोजन भी होंगे। रात्रि विश्राम के बाद सैलानियों को काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ सहित अन्य स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। रविदास को पर्यटक लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा देखने के बाद वाराणसी रवाना होंगे। 5 सितारा होटल की सुविधाओं से लैस गंगा विलास सैलान में 18 स्वीट हैं। इनमें व्यायाम और योगा के अलावा जिम, गीत और संगीत की भी सुविधा है। 22 दिसंबर को पर्यटकों को लेकर रवाना जलयान को 6 जनवरी को ही काशी विश्वनाथ पहुंचना था, लेकिन कोहरे ने इसकी गति पर अवरोध लगा दिया। गंगा विलास का इंटीरियर भी काफी आकर्षक है। यूपी पर्यटन एजेंसियों के अनुसार यह कई प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें सावर वाला बाथरूम, कर्मवसिल बेड, फ्रेंच बालकनी, एलईडी टीवी, तिजोरी, स्मार्ट प्लग, लाइव वेस्ट और स्प्रिंकलर्स प्रमुख रूप से हैं। गंगा विलास